तो गाइस यार ये है मेरी होने वाली दुल्हन और किसी ने मेरी होने वाली दुल्हन को उठा के यहाँ इस रैम चैलेंज के ऊपर रख दिया है और साथ में मेरी गाड़ी भी है यार जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और यार ये रैम चैलेंज इतना ज्यादा ऊंचा है कि यहाँ पर मेरे को पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। अरे मुझे बचा लो। और गाइस यार चारों तरफ बॉम्ब भी है बहुत सारे। अब पता नहीं यार मैं अपनी वाइफ को कैसे बचाऊंगा। चलो गाइस यार अभी मैं अपना ट्रक लेके आया हूँ, मेरे को इस ट्रक को ऊपर चढ़ाना होगा फुल स्पीड में जिससे मैं मेरी होने वाली वाइफ को बचा सकूं। ये हम लोग चले फुल स्पीड में 120 की स्पीड पे। अरे चढ़ जाएगा आराम से मेरा ट्रक। अरे ये क्या गाइस ये ट्रक तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाया यार, इस ट्रक के अंदर तो दम ही नहीं है यार। अब मैं मेरी वाइफ को कैसे बचाऊंगा यार, मुझे बिल्कुल टॉप के ऊपर जाना है, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे मेरी वाइफ को बचाऊंगा फिर। अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे ये किसकी आवाज है? इधर आओ इधर मेरे पास आओ। अरे भाई तू कौन है? मेरा नाम है टाइम मैन। टाइम मैन? मैं टाइम को रोक सकता हूँ तो मेरी बात सुनो, जो ऊपर बॉम्ब्स है वो 5 मिनट में फटने वाले हैं पर मैं टाइम को रोक लूंगा 5 मिनट में फिर वो नहीं फटेंगे। फिर काम करो 5 मिनट में मैं उन्हें रोके रखता हूँ जब तक तुम्हारे पास 20 मिनट्स का टाइम है। अगर 20 मिनट्स के अंदर तुम ऐसी गाड़ी नहीं ले पाए जो इस रैम चैलेंज के ऊपर चढ़ जाएगी और तुम अपनी वाइफ को बचा लो, अगर नहीं मिली तुम्हें ऐसी गाड़ी तो सॉरी तुम्हारी वाइफ को कोई नहीं बचा पाएगा। ओके ओके तो गाइस यार मेरे को एक ऐसी सुपर कार लानी पड़ेगी जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए, ऐसे ही ना? हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने, अगर तुम 20 मिनट्स के अंदर वो ऐसी सुपर कार नहीं ला पाए तो समझो तुम्हारी वाइफ गई। ओके तो गाइस यार मेरे को एक खतरनाक वाली सुपर कार लानी पड़ेगी जिसके अंदर कम से कम 2-3 हज़ार हॉर्स पावर हो और भाई सब वो बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच जाए इस रैम चैलेंज के। चलो गाइस यार चलते हैं जल्दी सी गाड़ी चुराने के लिए यार, क्योंकि पैसे तुम्हारे भाई के पास है नहीं कोई अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए। ढूंढते यार कहीं पर कोई जुगाड़ लगाता हूँ भाई, कहीं से अच्छी गाड़ी चाहिए मेरे को, क्योंकि यार ये गाड़ी के अंदर तो बिल्कुल भी दम नहीं है यार। मेरे को लगा था मैं मेरी ट्रक से मेरी वाइफ को बचा लूंगा पर ये ट्रक के अंदर बिल्कुल भी दम नहीं है क्योंकि ये इसकी टॉप स्पीड 120-130 है यार। मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो 300 जाए। अरे आज तो मजे आने वाले हैं क्योंकि मैं फाइनली पापा की गाड़ी लेके आ चुका हूँ यहाँ पर। अरे ये बॉडीगार्ड्स फिर हमेशा एक तरह मेरे पीछे ही पड़े हैं। पापा को बोला है कि मेरे को कोई जरूरत नहीं है मेरे बॉडीगार्ड्स की, पर पापा हमेशा बॉडीगार्ड्स भेज देते हैं। कोई बात नहीं है, आज तो बड़ी बड़ी झूला पे झूलूंगा, मजा लूंगा, मजा आएगा बहुत ज्यादा। चलो साइड में लगाता हूँ गाड़ी चाकर, मेरी फेवरेट गाड़ी है ये, पापा ने मेरे को गिफ्ट में दी थी बर्थडे पे, यहाँ पर लगा देता हूँ। अरे सर रुकिए सर रुकिए। अरे मेरी बात सुन लो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे तो आ गए हो, मैंने मना किया था वैसे तुम लोगों से। अरे सर रुके सर, गाड़ी को रिवर्स में पार्किंग लगा देते हैं। अरे जल्दी लगा और जल्दी उतर के आओ, मुझे तुम्हें कुछ हुक्म देना है, जल्दी आओ इस गाड़ी को खड़ी करके। अरे सर सॉरी सर। अरे क्या, अरे पागल हो क्या, मुझे ठोकोगे? हाँ सर बताइए सर क्या कर रहे हैं? काम करो, मैं जब तक झूलता हूँ तुम्हें मेरी गाड़ी की सुरक्षा करनी है। मेरी सुरक्षा करने की तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है पर मेरी गाड़ी की पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, आया तुम लोगों का समझ? ठीक है बॉस जैसा आपने बोला है। मेरी गाड़ी को स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ इतने झूलने के लिए, बड़े बड़े रोलर कोस्टर, बड़ी बड़ी झूला, और मैं तो सोच रहा हूँ आज आइसक्रीम और पॉपकॉर्न भी खाऊंगा। तो गाइस यार अभी अभी मैंने देखा यहाँ पर एक खतरनाक वाली रेंज रोवर आई है, ये देखो मेरे सामने खड़ी है, बिल्कुल है ना खतरनाक भाई। रेंज रोवर में बहुत ज्यादा पावर होती है यार, अगर ये गाड़ी मेरे को मिल जाए मैं शायद मेरी वाइफ को बचा सकता हूँ। देख रहे हो भाई इसके अंदर कम से कम 600-700 हॉर्स पावर तो होगी यार, और इसके अंदर देख रहे हो बकेट सीट्स लगी हुई है यार जिससे मेरे को बिल्कुल होल्ड कर लेगी। मस्त है यार गाड़ी, तो बस ये चाहिए मेरे को। अरे ओए दूर हो जा दूर, चल चल दूर हो। अब क्या हो गया भाई? अरे ये मेरे बॉस की गाड़ी है, गाड़ी के पास आने की हिम्मत भी मत करना, दूर हो ना, समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को? पर टक्कर क्यों मार रहा मेरे को तू? अरे जब बोला ना इसकी ऐसी तैसी, मेरी बात सुन। हाँ बोल क्या चाहिए तेरे को, गाड़ी के पास आया तो थप्पड़ खाएगा तू। अच्छा सबसे पहली बात तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती कैसे की? अरे बोल क्या बोल रहा है तू? अरे तीन तीन आ गए यार गाड़ी में से निकल के, चलो दफा हो जाए यहाँ से वरना तीनों मिलके मारेंगे तेरे को। अच्छा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम तीनों से डरता हूँ? ये ले यार काय का बॉडीगार्ड, एक एक रैप्ट में तो सुला दिया मैंने तीनों को। चलो गाइस यार मैंने यहाँ पर तीनों को मार मार के बेहोश कर दिया, और भाई साहब मैंने गाड़ी की चाबी भी ले ली इन लोगों से, अब जल्दी से जाता हूँ। और भाई साहब ये खतरनाक वाली रेंज रोवर लेकर चलते हम लोग बिल्कुल ब्रिलियंट तरीके की। चलो बैठो गाड़ी के अंदर। ओ पेटे हाँ। ओ गाइस यार सेमी पावर भाई इस गाड़ी के अंदर तो काफी। ये देखो भाई साहब क्या क्या निकल रहा है इसके पीछे से, यह है ना खतरनाक वाली चीज, ये मैंने सभी गाड़ियों के अंदर लगा लिया है, मस्त है ना। चलो भाई साहब ये देखो भाई साहब इसके अंदर स्पीड ज्यादा है और मेरे को लग रहा है भाई ये पक्का चढ़ जाएगी ऊपर। वो भाई इसकी तो कंट्रोलिंग काफी ज्यादा मस्त है यार, अभी तो इसके अंदर मैंने स्पोर्ट्स मोड लगाया भी नहीं है। अरे आज तो मजा आ गया सेमी, सभी झूला के ऊपर झूल के और आइसक्रीम भी खाई मैंने। चलो अपनी गाड़ी लेता हूँ। अरे एक सेकेंड मेरी गाड़ी कहाँ चली गई यहाँ से? अबे तुम लोग लकड़ बग्गे, मेरी गाड़ी चोरी हो गई, तुम लोगों ने मेरी रेंज रोवर चोरी करवा दी। तुम लोगों की ऐसी तैसी पापा की बॉडीगार्ड्स किसी काम के नहीं, मेरी मदद भी नहीं करी, मेरी गाड़ी और चोरी करवा दी। ये ले गंजे पकले तेरी ऐसी तैसी, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई? चलो गाइस यार यहाँ पर भाई फुल स्पीड में हम लोग बस जाने वाले हैं 70, और ये हमने बगन स्टार्ट की और मैं लगा दिया स्पोर्ट्स मोड 120-130 और मेरे को लग रहा है हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। और ये भाई साहब चढ़ जाऊंगा। अरे ये
क्या गाड़ी स्लो होती जा रही है। अरे ये क्या भाई साहब, मैं थोड़ा सा ही ऊपर चढ़ पाया यार। मतलब यार ये गाड़ी भी काम नहीं आई यार, मेरे को एसयूवी नहीं, मेरे को कोई सुपर कार चाहिए थी। शिट मैन, ये इसकी तो बैंड बज गई यार। क्या यार, हट तेरी ऐसी तैसी। मेरे को लगा मैं यहाँ पर जीत जाऊंगा, मेरे को लगा ये वाली गाड़ी बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच जाएगी, पर तो ये नहीं पहुंची। अरे तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा मेरे दोस्त, टाइम को रोकना बहुत ज्यादा हार्ड है। चाहे मैं टाइम मैन हूँ, पर मेरे लिए भी टाइम को रोकना बहुत हार्ड है। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारे 5 मिनट जा चुके हैं, 15 मिनट्स बचे हैं। 15 मिनट्स के अंदर जल्दी से वो गाड़ी लेके आओ। हाँ भाई मैं लेके आता हूँ, बस तू टाइम को रोके रखियो भाई प्लीज। अगर तूने टाइम छोड़ दिया तो भाई वो बम फट जाएंगे और मेरी बीवी खत्म हो जाएगी। प्लीज टाइम को रोके रखना। चलो गाइस यार हम लोग चलते हैं जल्दी से। अब यार मेरे को और गाड़ी कहाँ मिलेगी? हाँ मेरे को पता है मेरे को नेक्स्ट गाड़ी कहाँ मिल सकती है यार। यहाँ से थोड़ी दूर रहने के ऑप्शन होता है, ऑप्शन समझ रहे हो, जहाँ पर गाड़ियों की बोली लगाई जाती है, तो वहाँ पर महंगी महंगी गाड़ियाँ जरूर होगी यार। वहाँ पर कोई सुपर कार होगी तो उसे मैं चुरा सकता हूँ। चलो वहाँ पर चलते हैं जल्दी से, लेट्स गो गाइस। यार जैसा कि मैं बात कर रहा था, बोली लगती है, देखो यहाँ पर लगती है बोली। ओए भाई साहब वहाँ पर देखो, ये तो एक बुकाटी है यार। ओ माय गॉड, ये तो बुकाटी सुपर स्पोर्ट है, ये तो एक खतरनाक वाली हाइपर कार है, सुपर कार से भी ज्यादा तेज गाड़ी है ये। ओके भाई साहब कितने की लग रही है बोली? अरे अभी बोली स्टार्ट नहीं हुई है, बोली स्टार्ट होने में टाइम है थोड़ा। हाँ चलो चलो जल्दी बोली स्टार्ट करो। गाइस यार देखते हैं क्या इसको मैं खरीद पाता हूँ नहीं खरीद पाता हूँ, थोड़े बहुत पैसे तो है मेरे पास। हाँ भाई स्टार्ट तो कर। हाँ तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की खतरनाक वाली बोली में। तो आज यहाँ पर है एक खतरनाक गाड़ी जो है दुनिया में सिर्फ 12 और लॉस सैंटोस के अंदर तो सिर्फ 3 है। ये है बुकाटी हाइपर स्पोर्ट सुपर कार। और जो भी तुम में से इस गाड़ी को लेना चाहता है तो बोली स्टार्ट होती है। अब इसकी बोली स्टार्ट होती है डायरेक्ट 50 लाख रुपए से। 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए गाइस, 50 लाख रुपए। मेरे पास तो 4 लाख रुपए, मेरे को लगा 4 लाख रुपए में खरीद लूंगा इसे मैं। हाँ तो बोली स्टार्ट कीजिए। 50 लाख रुपए से स्टार्ट होती है गाड़ी की बोली। कौन लगाएगा 50 लाख रुपए इस खतरनाक चमचमाती ब्लैक ब्यूटी के ऊपर? इसके टायर देखो, इसके अंदर 22 इंच के ब्लैक टायर लगे हुए हैं। एक नंबर की सुपर कार है। लगाइए बोली 50 लाख, 50 लाख रुपए स्टार्ट कीजिए। देखते कि आज ये गाड़ी किसकी होगी, किसकी मोहताज है। हस्बैंड जी मुझे वो गाड़ी किसी हालत में भी चाहिए, मुझे मेरे सभी के सभी कलेक्ट की जलानी है। हाँ तुम्हारे लिए कुछ भी हम जरूर खरीदेंगे इस गाड़ी को। और अब मैं लगाता हूँ 50 लाख रुपए इस गाड़ी के ऊपर। 50 लाख रुपए, अरे मेरी होने वाली ये गाड़ी तो 50 लाख रुपए में, देख लेना सभी लोग। अरे गाइस यार यहाँ पर तो बोली लगा दी 50 लाख रुपए की। एक काम करता हूँ मैं बोली बढ़ाता हूँ। अरे बस यहाँ पर इतनी ही गरीब आदमी है क्या? सभी के सभी गरीब है यहाँ पर। 50 लाख रुपए की जगह मैं लगाऊंगा 60 लाख रुपए। चलो साइड में निकलते अब जल्दी सी। अरे यहाँ पर एक आदमी ने लगाई है 60 लाख रुपए की बोली, तो 60 लाख रुपए से ऊपर कोई बढ़ाना चाहेगा? 60 लाख रुपए एक। अरे नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बढ़ाना चाहेगा बोली, बढ़ाओ किसी को। और मैं हूँ डायमंड कंपनी का मालिक, 80 लाख रुपए लगाता हूँ मैं। अरे मेरी वाइफ को ही मिलनी चाहिए गाड़ी, मेरी वाइफ के लिए गाड़ी है, तो मैं लगाता हूँ इसके ऊपर पूरे 1 करोड़ रुपए। हाँ तो यहाँ पर बोली बढ़ चुकी है 1 करोड़ रुपए के लिए। तो 1 करोड़ रुपए से कोई ऊपर लगाना चाहता है 1 करोड़ रुपए से ऊपर? हाँ मैं लगाऊंगा, चिंची पॉकली चाइना से आया हूँ मैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए, इसके ऊपर लगाता हूँ 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अरे नहीं हमें चाहिए गाड़ी, हम लगाते 1 करोड़ 40 लाख रुपए। हाँ 1 करोड़ 40 लाख रुपए, इससे ऊपर लगा के दिखाए कोई, जब मानू मैं कोई है यहाँ पर कलाकार। अरे तो यहाँ पर बोली लग चुकी है 1 करोड़ 40 लाख रुपए की। 1 करोड़ 40 लाख से कोई ऊपर ले जाना चाहेगा? है ये तो बहुत महंगा सौदा है, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, 1 करोड़ 40 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर एक आदमी बाहर जा चुका है, देखते कोई और लगाना चाहेगा 1 करोड़ 40 लाख से ऊपर। और हम चाइना वाले हैं, हम पूरे 10 करोड़ रुपए लगाता है, अब बताओ कोई 10 करोड़ रुपए से ऊपर लेके जाएगा? 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए। अरे मेरे को ये गाड़ी किसी हालत में भी चाहिए, हम 10 करोड़ से ऊपर लगाएंगे, हम लगाते हैं 14 करोड़ रुपए इस गाड़ी के लिए। 14 करोड़ रुपए में हमारी होनी चाहिए वो गाड़ी, किसी की भी नहीं होगी वरना। हाँ 14 करोड़ रुपए लगाते हैं, कोई 14 करोड़ रुपए से ऊपर लगाएगा, हमसे ऊपर कोई होके दिखाएगा, हम बहुत बड़े रईस खानदान से आते हैं, 14 करोड़ रुपए। चलो गाइस यार यहाँ पर बोली लग रही है और तुम्हारा भाई पीछे से सरक के आ चुका है, पर किसी ने मेरे पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हर कोई भाई बोली लगाने में इतना ज्यादा व्यस्त है ना। तो यार मैं यहाँ से आ चुका हूँ चुपचाप और इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ। अरे ये क्या गाड़ी स्टार्ट किसने की? अब चल यहाँ से, तेरी ऐसे और तुम लोगों की भी रही से, चल यहाँ से, भगो यहाँ से चाइना वालों। तो गाइस यार मैंने सबको टक्कर मार के मैं तो निकल लिया हूँ यहाँ से। भाई साहब ये देखो तुम्हारे भाई ने क्या दिमाग लगाया यार, मैंने पीछे से गाड़ी टपका ली भाई, है ना कमाल की। चलो गाइस यार ये वाली गाड़ी तो मेरे को पक्का लग रहा है ऊपर चढ़ जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है बुकाटी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार बनाती है। और चलो भाई इस वाली गाड़ी से तुम लोग बिल्कुल टॉप के ऊपर पहुंच जाएंगे यार। और इसको कंट्रोल करना कितना ज्यादा हार्ड है, और इसकी स्पीड देखो कितनी कमाल की है। वो भाई साहब बिल्कुल
मस्त से मैं बहुत तेज भाग रही है। तो गाइस यार ये इतनी तेज चल रही है कि देखो आधी दुनिया गायब हो रही है भाई। वापिस आ गए, चलो अब चढ़ाते हैं। चलो देखते हम लोग पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे ऊपर। मेरे को लग रहा है हम लोग बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और ये देखो भाई साहब, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, नौवा, और ये क्या, मैं फिर से रह गया यार। मेरे को लगा मैं ऊपर जाऊंगा, मैं नहीं पहुंच पाया अभी ऊपर। इसका मतलब मेरी वाइफ को मैं कैसे बचाऊंगा, क्योंकि यार मैं तो दुनिया की सबसे खतरनाक सुपर कार को लेके आया था जो कि बुकाटी है यार। अब मेरे को कोई दिमाग में आइडिया नहीं है कि यार मेरे को कौन सी गाड़ी लानी चाहिए जो ऊपर चढ़ेगी। मैं एक और बार ट्राई करूँ या ना करूँ, नहीं चढ़ेगी ऊपर। और तुमने पूरा दम लगाया पर अब भी ये हुआ नहीं। अरे टाइम मैन भाई साहब, मैं सबसे पावरफुल गाड़ी लेके आया हूँ लॉस सैंटोस की। अरे ये सबसे पावरफुल गाड़ी नहीं है लॉस सैंटोस की। हैं, ये नहीं है सबसे पावरफुल लॉस सैंटोस की गाड़ी? नहीं, लॉस सैंटोस की सबसे पावरफुल गाड़ी है विंग कार। ये विंग कार कौन सी गाड़ी है? विंग कार को जीतने के लिए तुम्हें खतरनाक वाला रैंप चैलेंज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ खतरनाक वाला रैंप चैलेंज करने के लिए। तो गाइस यार मेरे को एक विंग कार जीतनी पड़ेगी भाई, वो उसके लिए मेरे को एक खतरनाक वाला रैंप चैलेंज करना पड़ेगा। तो गाइस यार हम लोग रेडी है वो विंग कार चैलेंज करने के लिए, मतलब वो रैंप चैलेंज करने के लिए। मेरे को किसी हालत में भी वो गाड़ी चाहिए यार। तो मेरा नाम है टाइम मैन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। आप लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के अंदर। तो आज के रैंप चैलेंज में जो कोई भी जीतेगा उसे मिलने वाली है विंग कार। अरे मेरे को चाहिए वो गाड़ी, किसी भी हालत में किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली रेंज रोवर। मेरे को मेरी गाड़ी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर जीतने आया हूँ। बहुत खतरनाक तरीके से जीतूंगा इस विंग कार को मैं। हल्क मारेगा, हल्क को वो गाड़ी चाहिए। हल्क का कच्चा फटा हुआ है पर हल्क को विंग कार चाहिए। हल्क अपना ट्रैक्टर लेके आया है। और गाइस यार यहाँ पर मैं ये इलेक्ट्रिक कार लेके आया हूँ जीतने के लिए, और मुझे किसी हालत में चाहिए वो विंग कार। क्योंकि गाइस यार क्या ही बताऊँ मैं, मेरे को मुझे मेरी वाइफ बचानी है ना। तो तुम्हारा रैंप चैलेंज होगा कुछ इस तरीके से, तुम्हें यहाँ से वहाँ जाना है टेढ़ा मेढ़ा फुल स्पीड में जैसे भी तुम्हें जाना है, और उसके बाद तुम यहाँ से बचते बचाते यहाँ पर आओगे। यहाँ पर तुम्हें 360 घुमानी अपनी गाड़ी, 360 घुमाओगे तुम यहाँ पर अपनी गाड़ी खतरनाक तरीके से, और उसके बाद तुम यहाँ पर ऊपर चढ़ते जाओगे, और उसके बाद यहाँ पर जो पहुंचेगा उसे मिलने वाली है ये विंग कार। है इसके अंदर क्या है ऐसा विंग कार का? अरे वो गाड़ी तो मेरी होने वाली है, किसी भी हालत में भी देख लेना, क्योंकि मैं अपनी खतरनाक वाली फोर्ड की ब्रोंको लेके आया हूँ। अब तेरे को क्या लगता है, तू कोई ऑफ रोडर गाड़ी लेके आया तो तू जीतेगा? हाँ मैं जीतूंगा, तुम्हें क्या पता मेरे बारे में। एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने मेरी गाड़ी चुराई है? नहीं नहीं नहीं, मैंने तेरी गाड़ी नहीं चुराई है यार। अरे मुझे लग रहा है कि तुमने मेरी गाड़ी चुराई है। अबे ओ बच्चे, मेरे ऊपर चोरी का नाम मत लगा ठीक है ना। अरे तू जाना यहाँ से, जीतूंगा तो मैं। ये देख कितने इजीली मेरी फोर्ड ब्रोंको को कंप्लीट करती जा रही है। गाइस यार ये तो सैमी काफी इजीली इसे कंप्लीट करता जा रहा है, ऐसे तो सैमी जीत जाएगा। अगर ये जीत गया तो मैं मेरी वाइफ को कभी भी नहीं बचा पाऊंगा। ये देख, ओके तो गाइस यार अब देखते हैं अपना 360 पर क्या होने वाला इस लड़के के साथ, क्या होता है। ये देख इसको भी मैंने कर दिया। गाइस यार ये देख रहे हो, ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है भाई, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। क्या डर लग रहा है क्या तुम्हें? अबे ओए भाई साहब, यहाँ पर बच्चा डिस्क्वालीफाई हो गया, मजा आ गया वीडू। अब हल्क की बारी, हल्क जीतेगा क्योंकि हल्क को वो विंग कार चाहिए। अब हल्क तेरे को किस लिए चाहिए वो विंग कार? हल्क को विंग कार इसलिए चाहिए क्योंकि हल्क को कहीं पर जाना है। कहाँ पर जाना है? हल्क को अपने ससुराल जाना है। तो ट्रैक्टर में चला जा। हल्क के ससुराल वाले गाड़ी देते जब मैं ट्रैक्टर लेके जाता। अच्छा, अब के बार मैं मेरी वाइफ को खतरनाक वाली सुपर कार के अंदर लेके आऊंगा, जिससे मेरे ससुराल वाले भी बोलेंगे कि बहुत ज्यादा अमीर है हमारा दामाद। अच्छा हाँ। गाइस यार ये देख रहे हो आप लोग, गाइस यार यहाँ पर अगर हल्क जीत जाता है तो गाइस यार बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। पर गाइस यार यहाँ पर ये एक अजीब सा ट्रैक्टर लेके आया है, हल्क तो खेती करता है क्या? हाँ हल्क खेती करता है, हल्क आलू और प्याज उगाता है। ओ भाई साहब, भिंडी उगाता है? नहीं उगाता है। हल्क भिंडी भी उगाता है। गाइस यार यहाँ पर हल्क देख रहे हो, चाहे धीरे धीरे ट्रैक्टर आगे लेते जा रहा हो पर पहुंचता जा रहा भाई। ऐसा अगर ये जीत गया तो हल्क जीतेगा ही। गाइस नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हल्क तो नहीं जीतेगा। अरे हल्क जीतेगा, हल्क ने बोला ना। गाइस यार अगर ये जीत गया तो समझो तुम्हारे भाई की वाइफ को कोई भी नहीं बचा पाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भिडू, हल्क जीतेगा। अरे भाई इसको नीचे गिराओ कोई, अभी खटारा सा ट्रैक्टर की है, मेरे को समझ नहीं आ रही स्लाइड क्यों नहीं हो रहा है, नीचे क्यों नहीं गिर रही है। हल्क ट्रैक्टर के अंदर नए टायर्स हैं, ग्रिप बहुत ज्यादा है। अच्छा गाइस यार इसके ट्रैक्टर के अंदर अच्छे वाले क्वालिटी के टायर लग रहे हैं, इसके लिए इसका ट्रैक्टर स्लिप नहीं हो रहा है, वरना अभी तक तो भाई ट्रैक्टर कभी का नीचे गिर जाता है यार, क्योंकि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यार। हल्क जीतेगा। ओए मेरे को लगता है इस बार ये नीचे जाएगा, और ये गया यहाँ से नीचे। हल्क अपने ट्रैक्टर से हार गया, हल्क को बड़ा गुस्सा आ रहा है। तो चलो गाइस यार अब तुम्हारे भाई की बारी, और मेरे को किसी हालत में भी रैंप चैलेंज जीतना है यार। मेरे को अब ये तो पता है कम से कम इस रैंप चैलेंज को करना कैसे है यार, क्योंकि बच्चा
काफी आगे तक पहुंच गया था। यहाँ पर हमें स्पीड लगानी है, समझ रहे हो, स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा कंट्रोलिंग होगी गाड़ी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर यार गाड़ी स्लाइड हो रही है साइड में से। देखो अगर यहाँ पर हम लोग अपनी गाड़ी तेज रखेंगे तो हमारी गाड़ी बिल्कुल भी स्लाइड नहीं होगी। और मेरे हिसाब से जो बच्चे की गाड़ी ट्रक था ना, बच्चे का जो ऑफ रोड वाला ट्रक, वो ज्यादा अच्छा था यार, क्योंकि हमारी वाली गाड़ी काफी ज्यादा चौड़ी है, देख रहे हो ये बार बार इधर उधर टच हो रही है भाई। पर उसका ट्रक काफी ज्यादा छोटा था ना, इसलिए भाई वो टच भी नहीं हो रहा था कहीं पर भी। कोई बात नहीं, पर हम लोग यहाँ पर जीतने वाले। ये देखो भाई कितने आसानी से हम लोग करते जा रहे हैं। ओ ये भाई यार थोड़ा सा टायर टच हो गया था साइड में, कोई बात नहीं। ओ ये देखो यहाँ पर हल्क डिस्क्वालीफाई हुआ था, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं। नाइस, अब मेरे को 360 घुमानी अपनी गाड़ी। और ये चले हम लोग, अरे भाई साहब चक्कर आ रहे हैं, कहाँ पर जा रही गाड़ी मेरी, अरे स्लाइड हो गई थी। क्या हम लोग जीतेंगे, हारेंगे? ओए ये क्या हुआ, पता नहीं यार कहाँ पर मैंने जंप लगा दी। ओए एक सेकंड, मैंने जो सेकंड वाला जो 360 था ना उसके ऊपर मैं गया ही नहीं, मैंने डायरेक्ट वहां से जंप लगा दी। अब यहाँ पर ये वाली चीज काफी हार्ड होने वाली है, उसके लिए भाई साहब पूरा तैयार होना पड़ेगा मेरे को। और हम लोग है खतरनाक वाले ड्राइवर, तो हम लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। गाड़ी स्लाइड हो रही है टेढ़ी टेढ़ी, चली जा बेबी ऊपर चढ़ जा। और ये देखो गाइस यार हम लोग टॉप के ऊपर आ चुके हैं, इसका मतलब यार ये विंग कार मेरी होने वाली है। अब ये तो उल्टी हो गई, सीधी भी नहीं हो रही है, छोड़ना, मेरे को तो जो विंग कार के लिए मैं आया था वो गाड़ी लेनी है। चलो भाई साहब जल्दी से जाके देखते हैं आखिर इस विंग कार के अंदर है क्या। भाई साहब क्या कमाल की गाड़ी यार, ये सही में काफी मस्त लग रही है यार देखने में तो। चलो गाइस इसका इंजन स्टार्ट करता हूं। ओए अब क्या पावर है इस गाड़ी के अंदर, कुछ अलग ही लेवल की पावर है भाई इस गाड़ी के अंदर। ओए ये क्या है भाई, इसलिए इसका नाम है विंग कार, क्योंकि इसके अंदर विंग्स लगे हुए हैं। ये देखो ये तो हवा में उड़ रही है भाई। अब मैंने इतनी सारी गाड़ियां चलाई है, इतनी सारी गाड़ियां देखी आज तक, पर भाई इस गाड़ी जैसी गाड़ी नहीं देखी, देख रहे हो यार क्या कमाल की गाड़ी है भाई सेमी, ये वाली बिल्कुल भाई धमाकेदार। वो भाई इस वाली गाड़ी से तो मैं जरूर अपनी वाइफ को बचा लूंगा। तो चलो भाई साहब अभी हम लोग आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज के ऊपर, अब बस मेरे को अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगानी है। फुल स्पीड में क्या, इसकी स्पीड ही बिल्कुल ज्यादा अल्टीमेट है। ओ ये देखो ओ भाई ये कितनी इजीली ऊपर चढ़ती जा रही है यार। और ये देखो इसकी स्पीड कम भी नहीं हो रही बल्कि बढ़ती जा रही है। ओए ये देखो हम टॉप पे भी आ गए इतनी जल्दी। ओ माय गॉड मेरे को बिल्कुल नहीं लगा था ये गाड़ी इतनी ज्यादा सॉलिड होने वाली है। ये भाई मजा आ गया सेमी। ओ माय गॉड यार ये क्या विंग कार आ रही है क्या भाई। अरे गाइस यार पता नहीं विंग कार कहां गायब हो गई। अरे तुम आ गए मुझे बचाने के लिए। हां मुझे आना ही था तुम्हें बचाने के लिए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। चलो कम से कम तुम आ तो गए, अब चले हमारी शादी होने वाली थी। हाँ 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 चलो 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 गाइस यार अभी हमारी शादी हुई नहीं, अभी हमारी शादी होगी, क्योंकि यार देखो इसने भी वेडिंग ड्रेस पहन रखी और मैंने भी शादी के कपड़े पहन रखे, सूट वूट, ठीक है ना। चलो चलते हैं। और गाइस यार ये वाली जो गाड़ी हमारी ये भी बहुत कमाल की है यार, देख रहे हो है ना कमाल की यार, क्योंकि मैंने ये बार खुद से मॉडिफाई करवाई है हमारी शादी के लिए। इसके ऊपर देखो कितने मस्त वाले गुब्बारे लग रहे हैं। अरे मेरी तो फेवरेट गाड़ी है। टाइम मैन का शुक्रिया करना था यार, पता नहीं टाइम मैन कहाँ पर चला गया यार, उसकी वजह से मैं मेरी वाइफ को बचा पाया वरना बचा नहीं पाता मैं। चलो यार तुम लोग टाइम मैन को भी शुक्रिया कर दो यार, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो थैंक्स आयरन, थैंक्स टाइम मैन, क्योंकि उसकी वजह से हमारी वाइफ बची है। ओ ये देखो भाई सब ये रही वो गाड़ी भाई जो ऊपर से नीचे गिर गई थी। भाई यार अजीब है, इसको मैं लेने आऊंगा थोड़ी देर में, टूट बिल्कुल भी नहीं रहे यार, कमाल की है सेमी। अरे ये कौन सी गाड़ी है जिससे मैंने तेरी जान बची, उस गाड़ी की वजह से मैं तुम्हारे पास पहुंच पाया था, वरना कभी भी नहीं पहुंच पाता। अच्छा हाँ वो टाइम मैन ने भी मेरी मदद की थी। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो मेक श्योर टू लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। अरे चलो चलते हैं।